हेलो फ्रेंड्स, यूनिक स्वाद में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई बचे हुए चावल का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। अक्सर ये होता है ना, चावल या तो एक्स्ट्रा बन जाता है या फिर बच जाता है, तो हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। वैसे तो हम ज़्यादातर यही करते हैं, चावल को फ्राई करके खा लेते हैं, बट मैं आज थोड़ा अलग रेसिपी लेके आएंगे, चावल का चीला। तो फिर देर किस बात की, आइए हम बनाते हैं बचे हुए चावल का बहुत ही टेस्टी चीला। और हाँ, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ हम चावल का चीला बनाने के लिए एक बाउल में बचे हुए चावल ले लिए हैं, और इसे मैंने अच्छे से सारे चावल को अलग अलग कर लिए हैं, और मैं अब इसे ग्राइंडर जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट बना लूँगी। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, जिससे कि इसका पेस्ट काफ़ी अच्छा बनेगा। और आप देख सकते हैं कि इसका पेस्ट कितना सही बना है। तो अब इस पेस्ट को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और हाँ, इसको थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें डाल देंगे सूजी। तो सूजी मैंने यहाँ लिया है आधा कप, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी और इसे काफ़ी अच्छे से फेंट लूंगी। और इसे मैं ढक के 5 मिनट के लिए साइड में रख लूंगी, क्योंकि इसमें मैंने सूजी डाला है, तो सूजी अच्छे से फूल जाए तब तक मैं इसे रेस्ट पे रख दूंगी। चीला में तड़का देने के लिए हम यहाँ ले लिए हैं तड़का पैन, उसमें हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और इसे मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। और ये जैसे गर्म हो जाएगा, इसमें मैं थोड़ा सा राई डाल दूँगी, करी पत्ता, और ये अच्छे से तड़क चुका है तो इसे मैं चीला में डाल दूँगी। और अब इसमें हम डाल देंगे कुछ वेजिटेबल्स, जैसे मैंने यहाँ पर डाला है शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, बारीक कटा हुआ यहाँ मैंने प्याज डाला है, यहाँ मैंने सगा प्याज यूज किया है, आप चाहें तो नॉर्मल प्याज भी यूज कर सकते हैं। और इसमें अब हम डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च, और आप चाहें तो इसमें और भी वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं। और अब मैं लास्ट में इसमें डाल दूँगी कटे हुए बारीक धनिया के पत्ते, और इन सभी को मैं अच्छे से मिला दूँगी। सबसे लास्ट में इसमें मैं डाल दूंगी स्वादानुसार नमक, तो मैंने यहाँ आधा से थोड़ा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, और इन सभी को अच्छे से मिलाकर 5 मिनट तक अच्छे से इसे हम फेंट लेंगे। चीला बनाने के लिए मैंने यहाँ एक पैन रख दिया था गर्म होने के लिए, और ये अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें मैंने ऑयल लेके अच्छे से स्प्रेड कर दिया है एक ब्रश की हेल्प से। और जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा, इस पर मैं एक चम्मच चीला रख के इसे अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। और ध्यान रहे, यहाँ हमारा फ्लेम बिल्कुल लो फ्लेम रहेगा, हम इसे लो फ्लेम पर ही पकाएंगे, हाई फ्लेम पर या फिर मीडियम फ्लेम पर चीला हमारा नीचे से जल जाएगा। और 1 मिनट के लिए इसे हम ढककर पकाएंगे, और 1 मिनट बाद हमने इसे देखा तो नीचे से ही अच्छे से पक चुका है, तो इसे हम पलट देंगे। और पलटने के बाद इसे दूसरे साइड से भी ढककर अच्छे से पका लेंगे। और चीला दोनों साइड से अच्छे से सिक चुका है, तो इसे मैं दूसरे प्लेट में निकाल लूँगी, और सेम प्रोसेस से ही मैं बचे हुए सारे चीले को बना लूँगी।
तो फाइनली हमारा चावल का ये चीला बनके रेडी हो चुका है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी बहुत आसान होता है। ये बच्चों को साथ साथ बड़ों को भी बहुत ही पसंद आएगा। तो फिर बचे हुए चावल के हमने कमाल की रेसिपी बनाई ना, तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद हमें बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।